असम गाइस वेलकम बैक टू माय नदर व्लॉग आई होप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ ना सुबह सुबह हमारे घर के बाहर बैकयार्ड पे ये ट्री कट करने के लिए आए हुए थे जिनके शो शोर से हम बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गए इनको हमने खुद ही बुलाया था क्योंकि जो दरकत था ना बहुत ज़्यादा व्यू क्लोज क्लोज कर रहा था तो इसलिए बुलाया था कि इसको कट कर दें ताकि सन भी आए और अच्छा सा व्यू भी मिल जाए तो अर्ली मॉर्निंग तो हम उठ ही गए थे सो विथाउट के वी शुड हैव अ देसी नाश्ता जो कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलता है और उसका टेस्ट भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर देसी रेस्टोरेंट्स बहुत कम हैं और हलाल भी बहुत कम है तो एक ही है एक दो ही हैं जो अच्छे टेस्ट में होते हैं आपको मिल जाते हैं लेकिन ये भी है कि उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए तो हमने डिसाइड किया कि चलो सब कुछ देसी नाश्ता कर लेते हैं जिसके लिए हमें जाना पड़ा एक दूसरी स्टेट यानी दूसरे शहर क्योंकि ये रेस्टोरेंट पहले हमारे घर के पास ही था बट आई डोंट नो वाई उन्होंने क्यों उसको बंद कर दिया तो अभी नियरेस्ट वो हमें यही बता रहा था कि आपको दूसरी स्टेट जाना पड़ेगा अब तो हमें सिर्फ यहाँ का ही खाना पसंद है एक तो इनका टेस्ट अच्छा है एंड इट्स पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा मसला है क्योंकि आपके पास हलाल फूड की ऑप्शन बहुत कम होती हैं और जो रेस्टोरेंट्स होते भी हैं ना उनको इतना अच्छा खाना बनाना आता नहीं है इससे तो आप घर में बना सकते हैं बट दिस इज़ द ओनली स्टोर रेस्टोरेंट uh, जो हमें जिनका खाना हमें पसंद है हम वैसे टाइम पे ही पहुंचे थे बट हलवा पूड़ी भी इनके पास होती है हलवा पूड़ी का भी प्लेटर होता है जो कि फ़िनिश हो चुका था तो बस हमें निहारी से ही गुज़ारा करना पड़ा एंड उसके बाद जब हम घर आए इट वाज सो सो रेन इतनी तेज़ बारिश थी इतनी तेज़ बारिश थी और बारिश की वजह से ऑल ऑफ अ सडन वेदर इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि आपको हुडीज और लाइट से स्वेटर्स पहनने की ज़रूरत पड़ेगी बस यहाँ का वेदर इसी तरह का है इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल लाइक मॉर्निंग में हम गए एंड इट वॉज अ क्वाइट सनी बट इतनी गर्मी नहीं थी वेदर ऐसा ही था और बस शाम में बारिश हु, बारिश हुई है इट्स लाइक टोटल चेंज उसके बाद हम आ गए थे मॉल क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं तो बच्चों का तो होता है कि बस कहीं ना कहीं हमें आप ले जाए वी डोंट वांट टू स्टे एट होम तो हम आ गए थे मॉल मुझे कुछ चीज़ें भी बाय करनी थी और ये थी मॉल की एंट्रेंस हमने मॉल की एंट्रेंस ली थी मेसिस से इस इट्स अ स्टोर तो स्टोर के थ्रू हम मॉल में एंटर हुए थे एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द मॉल विच इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल इतने प्यारे उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे एंड नीट एंड क्लीन और ये सारी मॉल के एंट्रेस पर उन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन uh, और सारे जो भी इतने प्यारे प्यारे से ये बलूनस और ये बाउल्स आपको यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं माइकल कोर्स हो गया गैस हो गया सिफोरा एवरीथिंग जो भी आपको ब्रांड चाहिए बिकॉज इट्स अ क्वाइट अ बिग मॉल शायद मैं आपको पूरा विजिट नहीं करवा पाऊँगी बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग एंड हम थक गए थे हमें थोड़ा सी विजिट किया था और बस रात हो गई थी एंड इट वॉज क्लोजिंग टाइम तो हम खुद भी उसको पूरा जो है ना एक्सप्लोर नहीं कर सके तो यहाँ पर हम आ गए थे टेस्ला की कार को विजिट करने के लिए विच इज़ मूसाज़ फेवरेट मूसा को गाड़ियाँ इतनी पसंद हैं ही इज़ सुपर क्रेजी अबाउट द कार्स तो ही वॉन्टेड टू गेस ममा आई वॉन्ट टू ट्राई द टेस्ला तो बस यहाँ पे हम आए थे और हम इट जो भी कार्स एक वाइट में अवेलेबल थी एक ब्लैक में अवेलेबल थी बोथ आर लुकिंग रियली रियली गुड तो ये थी ब्लैक वाली आ, जितनी सिंपल ये दिखती है उतनी सिंपल ये है नहीं तो बट इट वाज अ लग्जरीज कार तो यहाँ पे उन्होंने साथ में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू गेट एन इंफॉर्मेशन तो सारे एम्प्लॉयज़ उन्होंने हायर किए हुए थे कि आप उनसे ले सकते हैं रिगार्डिंग प्राइज वट एवर यू वॉन्ट टू नो तो ये था जी इन इनसाइड व्यू ऑफ द टेस्ला हमने अंदर बैठ के भी सारा उसको प्रॉपर जो है ना चेक किया था कि क्या है कैसा सारा सिस्टम है इट वॉज़ क्वाइट सिंपल बट इट्स नॉट एक्चुअली सिंपल तो उसके बाद हम आ गए थे एप्पल के स्टोर पे तो ये था जिस एप्पल का स्टोर जहाँ पे सारे सेल फोन लैपटॉप्स वॉचेस मैकबुक्स सब कुछ अवेलेबल था और इट वाज अ क्वाइट क्राउडेड एज़ वेल क्योंकि एप्पल इज अ हिट ओवर हेयर तो ये सारे एप्पल के फ़ोन थे फोटीन प्रो मैक्स लैपटॉप्स वर रियली एक्साइटेड के भाई अच्छा हम ये भी देख रहे हैं हम ये भी देख रहे हैं तो बच्चों को बड़ा शौक था ये सारी चीज़ें देखने का यहाँ मैं भी कुछ चीज़ें ट्राई कर रही थी कि कैसे हैं कैसे वर्क करती है यहाँ पर भी उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ अपने रखे हुए थे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोडक्ट यू वॉन्ट टू ये थी मैकबुक जिसकी प्राइस आई थिंक अराउंड सिक्सटीन हंड्रेड डॉलर थी उन्होंने अपना ऊपर ही मेंशन की होती थी प्राइस भी लैपटॉप के भी और फ़ोन के ऊपर भी अगर आपको प्राइस सिंपल आ, जाननी है तो ताकि आप इजीली उससे पढ़ के देख सकते हैं तो बस फिर एप्पल के स्टोर को विजिट करने के बाद हम आ गए थे अगेन मेसिस और यहाँ पे उन्होंने सारी चीजें रखी हुई थी लाइक like ये उनका परफ्यूम सेक्शन था सामने ये लेडीज का जिसमें हील्स थी ये सारा स्टोर इट वाज वन ऑफ द लग्जरियस स्टोर ओवर हेयर टू विच वाज क्वाइट गुड तो बस तकरीबन आज तो थी ना मेरी विंडो शॉपिंग हुई थी लियाल हुआ हमने कुछ भी नहीं देखे ये सारे माइकल कोर्स और सारे ब्रांड्स आपको पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जो भी आप लेना चाहें इजीली यहाँ से अवेलेबल है आपको एक डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे नहीं जाना पड़ता आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं एनी anyway, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग इफ़ यू लाइक इट लाइक माई अल्लाह एंडसक्राइब